गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू चैनल। किदा जी सारे, उम्मीद हो चंगे होंगे जी। तो अज है जी तीसरा दिन, तो रात आप बहुत लेट हो गए सी, फिर 11:30 बजे पहुँचे सीगे। तो आप पहुँचे सीगे जी, इतने हैगा जी अपना बॉम्बे आगरा, मतलब कि की कहिंदे उहनूं, बाईपास उत्थे हैगा जी ये तेजा नगर। तेजा नगर के विच गुरद्वारा साहब हैगा बाबा बुढ़ा दल जी वालियां दा। तो उत्थे आपां रात रुके सीगे, तो हुण राती कमरे वधिया मिल गए सीगे। तो हुण चाह पी के प्रशादा छक के जी हुण आपां इत्थों चाले पा देने। हुण आपां जावांगे जी इत्थों बहरानपुर ते बहरानपुर गुरद्वारा साहब, उत्थे मत्था टेक के उस तो बाद फिर निकलांगे अगे हजूर साहब। तो ये गुरद्वारा साहब जी, जिस किसी संगत ने इत्थे रुकना होवे रुक सकदा जी। तेजा नगर हैगा जी ये इंदौर अगर बाईपास, इंदौर बॉम्बे बाईपास के उपर जी, उत्थे रुक सकते जी तुसी अपना आके। चलो जी हुण आपां चाले पाते जी, तो हुण जा रहे आपां नदेड़ साहब हजूर साहब। तो इत्थों निकलांगे जी आपां बाईपास तो गुरद्वारा साहब तो ही नीचों होके अगो राइट हो जाना, तो फिर बहरानपुर बह खंडवा तो सीधा अगे नामदेव नर्सरी वाला रोड लेके सीधा अपना नदेड़ साहब। नामदेव नर्सरी वाला ही रोड लियो, बाकी अगे जाके चेक करते हैं रोड किदां दे आ। तो सवेरे सवेरे थोड़ा जाम भी घट मिलता है। तो हुण आपां निकलते हैं जी फटाफट नदेड़ साहब नूं। हाँ जी हुण आपां सवेर दी ब्रेक लत्ती है जी पहली, तो खंडवा इत्थों रह गया जी 40 किलोमीटर रह गया। तो रोड बड़ी खराब है जी, रोड के कम चल रहे जी, बड़ी गंदी रोड है बहरानपुर वाली। अगे बहरानपुर तो जाके देखते हैं बड़ा रोड कोई मिलता है। इत्थे तक बड़ी गंदी रोड है, कम चल रहा जी, बस गड्डियां जिहड़ियां हैगियां 20-30-40 की स्पीड से बस चल रही सी। चलो हुण इत्थे सवेर का ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच सारा इकट्ठा ही कर लीए। हुण भुख बड़ी भी लगी है जी बच्चों, सवेर दे बस इदा ही चाह पीती भी है जी। तो हुण आप कर लिए लंच, तो फिर चलते हैं अगले सफर दे अपने वालों। पहला हुण आपां ट्रकां वाले ढाबे ज़्यादा मिलते हैं, तो रोटी पानी वधिया हुंदी है, बाकी खा के देखते हैं रोटी ट्रकां वाले ढाबे ते। बाकी अपने पंजाब तो कंबाइना बथेरिया आईया, मैं इधर बहुत कंबाइना है। हाँ 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 गर्मी बड़ी है जी, सवेरे तो मौसम ठीक है, हूँ बड़ी गर्मी है। हाँ जी महाराज, ये है जी ट्रकों वाला ढाबा देसी स्टाइल, मंजे लगे हुए मंजे से बह के खाने। हाई भी कूलर आ रही हवा, हाँ देखो जी ये सारे लगे हुए मंजे, मंजे के उपर कैंपर पे अपने, ये फटे पे है जी, लून पिया, नज़ारे वाला कम है जी। अपना आराम नाल खाओ, रोटी खाओ, ऐसी मंजे ते सोचो, रेस्ट करके फिर अगे जाओ। क्या खाना वीरे? हाँ जी क्या क्या खाना दसो, क्या खाना वीरे? होर क्या है? हाँ दो तीन मगर मिक्स करके मंगा लो। हुण बैठ गए जी आपां ट्रक ड्राइवर बन के देसी ढाबे ते देसी बन के, इधर आरवी भी आ गया ठीक है। ते हुण छकदे आं जी प्रशादा, ठंडी ठंडी हवा आ रही कूलर दी जी बड़ा। आरवी क्या खाना मेरे? मिक्स वेज
मिक्स वेज है, तूर दी दाल है, एक दूजी दाल है, बस ये कुछ है मेरे ख्याल। बाकी आन तो रोटी खा के दस दें आप कही रोटी है। ढाबे की वैसे रोटी वधिया होंगी, टेस्टी होंगी इन्हां दी ना, वधिया रोटी होंगी। हाँ जी, हुण आपां पहुँच गए जी बहरानपुर गुरद्वारा बड़ी संगत। तो इत्थे दसवें पातशाह जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, महाराज ने अपने महाराज के बीड़ सुनहरी अक्षर च इत्थे लिखवाई सीगी। तो उन्होंने भी दर्शन जे होए आपां तां उह वी करदे आ। तो आपां हुण मत्था टेक के आंदे जी गुरद्वारा। चलो जी चलते अंदर। दसो आरवी वाहिगुरु सतना। यह है जी गुरद्वारा बड़ी संगत बहरानपुर। इत महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी सुनहरी अक्षर च ग्रंथ साहब जी लिखवाए थे जी। वह मेरे ख्याल साल च एक बार दर्शन कराते हैं। हूँ इतने अपना LED ते लगा के पेन ड्राइव च दर्शन करा देंगे। ये गुरद्वारा साहब जी की बिल्डिंग है सारी। मेरे को साल साल बाद दिखाते कहते हैं ना, साल में एक बार। एक बार कदों आए मतलब नहीं, पता नहीं कहते अक्टूबर से, पता नहीं कदों कहते बाबा जी। साल में एक बार दर्शन कराते हैं। फिर महाराज प्रकाश पिछे कर फिर उही सचखंड च। चलो ठीक है। हाँ जी, हुण दर्शन करके आ गए थे जी आप बाहर। तो हुण गड्डियां दे विच बैठ गए जी। तो हुण चलते जी अगे नदेड़ हजूर साहब। तो लेंदे जी रब का नाम, चलते हैं जी हजूर। भले सो निहाल सात श्री अकाल। चलो जी इत्थे चाह दे लंगर छक ले जी। चाह बड़ी स्वाद थी ते है ना अरवी, चाह तू तो चाह पीती हैगी। चाह बड़ी स्वाद थी बेटे है ना। चलो फिर हुण आपां चलते हैं हजूर साहब। तो हुण टाइम नाल निकलते हैं जी। हले भी लग जाने राती 9-10 बजे पहुंचांगे जी गुरुद्वारा साहिब। कुछ खाना पीना तो नहीं कोई? ओके जी ओके। चलो ठीक है, लिमका लेंदे मम्मी नूं। मैप ला लिया सीगा जी। तो असी पहुंचांगे जी 343 किलोमीटर हैगा है। तो गूगल दिखा रहा जी 9 बजे तक पहुंचांगे, पर अपन रस्ते च रुकते दिखाते 11 बज जाने जी हजूर साहब पहुँचते। तो आप निकल रहे हैं जी ईशापुर वाला रोड है जी। बाकी ये देखते हैं किदा का रोड हैगा, बाकी जिदा का भी रोड होएगा थोनों दिखाते रहेंगे। तो अपडेट दिता रहूँगा जी रोड किदा का हैगा। तो राती कोई बज जाने जी, राती 11 बज जाने जी पहुँचते हैं। गड्डिया सारिया आ गई जी अपनी नाल। बाकी थोनों फिर कल तो मॉर्निंग तो जी हजूर साहब नदेड़ के दर्शन करावे जी। ते हुण चलते हैं जी आपां हजूर साहब। ये देखो जी असी राजस्थान किथे आए रे आपां, राजस्थान नहीं पहुंचे, मध्य प्रदेश MP। चौधपुर असी हजूर साहब पहुंचने वाले हां। ਧਰਤੀ ਚ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਡੱਡੀਆਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ, ਪਪੀਤਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕਿਆ ਵਾ ਜੇ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਕੁੱਕੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੌ ਭਾਜੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣੇ। ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਚਾਚੀਆਂ ਇਹ ਭਾਬੀਆਂ
साढ़े दादा जी बैठे हैं। उम्र 86 साल दी है, दाढ़ी ते चिट्टा हाले तक नहीं आया। नेचुरल ब्यूटी है। ये साढ़े खेती मंत्री बैठे तोमर जी, वो भाभी बैठे है कटरीना जी, करम गरियाल जी, हाँ जी पीटा जी, हेलो हेलो कैसे हो? ठीक है। आपके चाचा जी तोमर है जो सेंटर के मिनिस्टर है, कैसे फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया हाँ। वो भाई जी देखो बकरियां आ रही चन्नी दियाँ, बिचो बकरी भी है, बावर को आती है जी।